ये हमारे महबूब शाह साहब हैं जी और ये पीटीआई के बड़े लवर हैं और आपसे ज्यादा इस दफा इन्होंने आप आ जाए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं जो कुछ होती है एम्प्टी टेबल बड़ा मुझे एम्प्टी टेबल खोल रहा है ये सारा है नहीं गर्मी में इसके हम लोग ये हमारी प्लासबो है सिंपल टेबल्स है। अब जो मैडम अभी मुझे चली गई है जो उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि क्या हर होमपै डॉक्टर ये कर सकता है मेरा क्वेश्चन आंसर था कि नहीं क्या वजह है आपकी परसेप्शन अपनी है मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू टोटल डिफरेंट हो और वो सही हो मैंने बेस लिया पॉइंट की लेकिन वो पॉइंट गलत हो आपने जो पॉइंट उसके अगेंस्ट दिया वो ठीक हो होम्योपैथी में सेम ये चीज़ है कि जिसने पढ़ा है उसकी परसेप्शन डिफरेंट है जिसने जितना डीपली इसको पढ़ा है और हमारी फिलोसफी टोटल डिफरेंट है और उसकी बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा जी पैरम है पैरमेट है इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ ये मतलब ये ये साल्ट्स आते हैं नेचुरल साल्ट्स हैं और ये हम अपनी मतलब आप समझ लें फॉर्मुलेशन के तहत उनसे बनवाते हैं और इनमें बाज़ूकात इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एनर्जेटिक बेस पे तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं मैं इसके लिए मॉस्कस यूज़ करता हूँ अच्छा मॉस्कस को मैं यूज़ करता हूँ और वो मॉस्कस में तो वो बहुत महंगी मिलती है तो वो मैं उनको देता हूँ उनसे कहता हूँ कि आप इस मिक्स करके साल्ट में तो मुझे ये टेबलेट्स बना दें उससे इनकी एनर्जी एकदम बूस्टअप होती है और वो कई महीने बाद जब आते हैं तो वो ऐसे ताज़ा और जो बल जाओ उनकी बैली होती है और उनकी सांस देखो अंदर जो मैंने दो बच्चे देखे तो बड़े फ्रेश लुकिंग बच्चे थे और के बच्चे हाँ जी वो तो कभी ऐसे उनकी होती नहीं है असल ये चीज़ है बाकी कुछ ये जो मेडिसिन आप बनवा रहे हैं उनसे हम बनवाते हैं उसके बाद भी पूरा जो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है अच्छा यहाँ पे मेडिसिन बनती है ये मेडिसिन बना के मैडम इसके ऊपर पेशेंट का नाम उसको कैसे देना है ये सारा इसका क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम फाउंडेशन से ही मेरे क्लिनिक का ही पैड हो सकता है इसके ऊपर ये हमारे शाह साहब इसके ऊपर नाम वगैरह लगा के चीज़ है कि मैं भी डॉक्टर साहब को ना दो हफ्ते बाद एक साल की अल्लाह तला ने जिंदगी दी और वो ये देखिए माशाल्लाह बहुत सेहतमंद जीवन उन्होंने टाइम दिया फिर मैंने इनका कैंप देखा देखा तो ये बच्चों की बड़ी दिक्कत कर रहे थे मगर इनके फाइनेंस बहुत अलग थे जो मेरे से उसका अपने दोस्तों से कुछ करके 15,000-20,000-25,000 महीने इकट्ठे करके फिर मैंने खुद अपने आप को भी इन्वॉल्व किया कि मैं आती हूँ कुछ सच मैडम ये बहुत इसको कहते हैं कि हमारा एक रोशन सितारा है मेरे हिसाब से बहुत रोशन सितारा है मगर इनको अभी तक किसी उस तरह की एक्सपोजर नहीं मिला तो ये कि जो हम जिस हद तक कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे लिमिटेड बहुत लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज हैं अब आप लोगों के पास जो है ये ताकत भी है इख्तियार भी है मेरा तो ख्याल है कि इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से हिम्मत कर रहे हैं तो मैडम ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मैं वोटर भी हूँ एक आम पाकिस्तानी भी हूँ इन बच्चों की खातिर आप कम अज़ कम इनको कंसिडर जरूर अच्छा मैडम